लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोमत का इतनी रोमत, अब तेरा भाई आ गया है। ए नागराज, सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर जो फौजी सारे देश की मां बहनों की इज्जत की रक्षा करता है, आज तूने उसी फौजी की बहन को हाथ लगाया। रोमत, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भैया अपनी जाती है नागराज। जान गया, अब जान गया, यही है वो देशद्रोही, वो आतंकवादी जिसके आदमी सरहद पर स्मगलिंग करते हैं। नागराज, तू सिर्फ मेरी बहन का ही नहीं, मेरी मां का भी गुनहगार है, उस मां का जिसे हम भारत मां कहते हैं। हरामजादे, इसी की कोख से जन्म लेकर इसी के सीने को अपने हथियारों से छलनी कर रहा है तू। जय भोलेनाथ। मर गया। सरहद के पार फेंक दो इसकी लाश को। देश का एक सच्चा सिपाही
आतंकवादियों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया। जय भोलेनाथ। आज ये चांद कहां खो के रह गया? बादलों से निकल ही नहीं रहा। आप लोगों के इस तरह का मजाक करते हुए, इनकी तो आदत है मुझे हमेशा तंग करने की। अरे आज करवा चौथ है, सुबह से मैं भूखी प्यासी इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हूं, और आप लोग भी इनके साथ मिलकर इस नाटक में शामिल हो गए। आज मजाक के भी हद हो गए। चलिए अर्जुन जी उठिए, बहुत हो गया मजाक। अर्जुन, अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन मैंने पहले से ही कहा था, दोबारा ऐसा मजाक करोगे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सब क्या लग रखा है? चलो अर्जुन उठो। अर्जुन नहीं उठोगी तो मैं जा रही हूं। अर्जुन आज करवा चौथ है, आज के दिन ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैं रो पड़ूंगी। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, अर्जुन प्लीज उठो। पिता। भैया। अर्जुन अब कभी नहीं उठेगा। भैया आप भी इनके साथ मिलकर, मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। नहीं गीता, ये सच है। भैया बस, क्या भैया अभी चुप। और अर्जुन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्जुन, अर्जुन चलो। मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल धनकपुर में हुआ, लेकिन उनकी लाश सरहद पर पाई गई। फिर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनका कत्ल नागराज ने ही किया है? क्या उसका कोई चश्मदीद गवाह या कोई ठोस सबूत है आपके पास? सबूत है मलाड, सबूत है कि लड़की जिसने अपने भाई का कत्ल करते हुए इस नागराज को अपनी आंखों से देखा है। मलाड, वकील साहिबा शायद इस बात को भूल रही है कि अदालत पागलों की गवाही को नहीं मानती, और यह लड़की बिल्कुल पागल है, जिसका सबूत मैं ऑलरेडी आपको पेश कर चुका हूं। ये झूठ है मेलॉर्ड, ये झूठ है। ये पागल नहीं थी, बल्कि अपने भाई की मौत देकर इसका ये हाल हुआ है। ये झूठ है। अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लड़की पागल थी या हो गई।
आप सिर्फ ये बताइए कि यह लड़की पागल है या नहीं। गायत्री, नहीं गायत्री, लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं बोल पा रही। इस लड़की की हालत ने सब कुछ बोल दिया मैं, सब कुछ बोल दिया। लेकिन कानून हालात पर नहीं, सबूत पर गौर करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऐसा कोई भी गवाह और सबूत इस अदालत में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल नागराज ने किया है। लिहाजा यह अदालत नागराज को बाइज्जत परी करती है। अब कानून हमें तुम सिखाओगी? दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम चाहें तो तुम्हें अभी इस पेशे से डिसमिस कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं मिलॉर्ड। आपके फैसले ने कानून पर से मेरा विश्वास उठा दिया। आप मुझे क्या डिसमिस करोगे? किस पेशे से मैं खुद रिजाइन करती हूँ? मुबारक हो वकील साहब, मुबारक हो। थैंक यू। आइए चलिए।